लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। चीन में एक स्पेशल स्कूल चल रहा है जो सिर्फ एचआईवी और एड्स पीड़ित बच्चों के लिए है। रेड रिबन नाम का ये स्कूल शांक्षी प्रांत की लिनफेन सिटी में है। ये न सिर्फ एचआईवी पीड़ित बच्चों को एजुकेशन दे रहा है बल्कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करा रहा है। दिसंबर 2011 से चल रहे इस स्कूल में देश भर के फिलहाल 33 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे अनाथ हैं। उन्हें एचआईवी डायग्नोस होने के बाद उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया। इन बच्चों के स्कूल में रहने से लेकर पढ़ाई और इलाज तक सब कुछ फ्री है। साथ ही बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल गुओ शियाओपिंग अपने खाली वक्त में इन स्टूडेंट्स के साथ वक्त भी बिताते हैं और खेलते भी हैं। यहाँ की टीचर लियू कहती हैं कि स्कूल के बहुत से बच्चे गुओ को डैड बुलाते हैं, हालांकि उन्हें ये बात पसंद नहीं। लियू के मुताबिक गुओ का मानना है कि वो कभी भी उनके असली पेरेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कैसे भी उन्हें ट्रीट करें। प्रिंसिपल गुओ के मुताबिक इनमें से ज्यादातर बच्चे अनाथ हैं और कई तो ऐसे हैं जिन्हें अपना असली नाम भी नहीं पता। एक अनुमान के मुताबिक चीन में एचआईवी और एड्स से पीड़ित लोगों की संख्या 5,75,000 के करीब है। तेजी बढ़ रही एचआईवी पीड़ितों की संख्या में ज्यादातर यंग लोग हैं।